जी हाँ दोस्तों, आपने ठीक सुना। पठान मूवी ने एक और नया रिकॉर्ड अपने नाम कर दिया है। और ऐसा वैसा रिकॉर्ड नहीं, काफी सालों पहले ये रिकॉर्ड बना था। एक बहुत ही बड़े एक्टर और बहुत ही अच्छे एक्टर ने ये अपनी मूवी से रिकॉर्ड बनाया था। उस मूवी का रिकॉर्ड भी पठान मूवी ने तोड़ दिया, वो भी सिर्फ 12 दिनों के अंदर। जबकि उस मूवी को लाइफ टाइम मिला था कलेक्शन करने में, और बहुत बड़ा डायरेक्टर था वो मूवी के लिए, फिर भी उसका रिकॉर्ड टूट गया। वो कहते हैं ना, रिकॉर्ड बनता है टूटने के लिए और टूटता है बनने के लिए। मतलब ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड ही है। आज बना कल टूटेगा, कल टूटेगा वापस बनेगा, बनाओ तोड़ो यही चल रहा है इन लोगों का। कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तोड़ो बनाओ तोड़ो बनाओ। समझ रहे हो ना मेरी बात को, भावनाओं को समझो। वैसे तो पठान मूवी ने 12 दिन के अंदर 832 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर लिया, 832 करोड़। और 100 मिलियन इसको इंग्लिश में, अगर अंग्रेजी कोई भाई बंधु लोग देख रहे हो ना, तो वर्ल्ड वाइड का इंग्लिश में मिलियन में करें ना, तो 101 मिलियन डॉलर होता है, और रुपीज में 832 करोड़। अभी रिकॉर्ड की बात करें तो एक मूवी आई थी जिसका नाम था पीके, पगला कहीं का नाम था मेरे हिसाब से। बहुत बढ़िया मूवी थी, बहुत बढ़िया डायरेक्टर थे, एक्टर थे, प्रोड्यूसर थे, सब कुछ था, गाने स्टोरी सब कुछ बढ़िया थी। मगर ये मूवी का रिकॉर्ड तोड़ दिया पठान ने। इसने कलेक्ट किया था 743 करोड़, जबकि पठान ने कर दिया 832 करोड़ वर्ल्ड वाइड में। अभी इसके आगे और 6 मूवीज है, और याद रखना मुझे लगता है ये 1000 करोड़ का आंकड़ा तो क्रॉस करने वाली है, तो करने वाली है, ये मेरा दावा है। मगर क्या ये KGF 2 का 1235 करोड़ का जो बड़ा रिकॉर्ड है उसको तोड़ पाएगी, वो बहुत मुश्किल है भाई। जो रॉकी भाई ने बनाया ना, ऐसे नहीं बनाया, हथौड़ा मार के सबका रिकॉर्ड तोड़ के बनाया है रॉकी भाई ने। अभी देखते हैं पठान की गन उस रिकॉर्ड को तोड़ सकती है कि नहीं तोड़ सकती। आपको क्या लगता है? अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, बुरा लगे तो डिसलाइक करो यार, और कमेंट में बताओ यार, कुछ भी बताओ। मुझे अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है यार, मेरे वीडियो को कुछ सपोर्ट मिल जाए यार, अच्छा लगता है। नया नया चैनल अभी बन रहा है, बाकी आपकी मर्जी, सब्सक्राइब करना है तो करो, नहीं करना है तो भी करो यार। जय हिंद, वंदे मातरम।